आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दौर 2022 के अंत तक 30,000 रुपए के नीचे लुढ़कने की संभावना, आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या है वजह। दरअसल घरेलू और विदेशी बाजारों में महंगे कॉटन का दौर खत्म होता दिखाई दिया है। साल 2022 के अंत तक घरेलू बाजार में कॉटन का भाव 30,000 रुपए के नीचे लुढ़क सकता है। वहीं विदेशी बाजार यानी ICE पर कॉटन दिसंबर वायदा का भाव भी गिरकर नीचे में 80 सेंट प्रति पाउंड के लेवल पर आने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मांग में आई कमजोरी, डॉलर में मजबूती, पैदावार बंपर रहने के अनुमान और ग्लोबल लेवल पर मंदी की आशंका के चलते कॉटन की कीमतों में फिलहाल गिरावट आ रही है। कीमतों पर यह दबाव आगे भी जारी रहने का अनुमान है। दरअसल भारत में कॉटन के भाव में 50,330 रुपए प्रति गांठ की रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 18% की गिरावट आ चुकी है। मई 2022 की शुरुआत में ही कॉटन में 2.5 साल की तेजी का दौर खत्म होता दिखाई दिया है। बीते 2 महीने से भी कम समय में विदेशी बाजार में कॉटन का भाव 11 साल की रिकॉर्ड हाई यानी कि 155.95 सेंट प्रति पाउंड से 37% से ज्यादा टूट चुका है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉटन की कीमतों में हालिया गिरावट का संबंध अमेरिका और वैश्विक शेयर बाजार में हुए नुकसान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और जिसका असर कमोडिटी बाजार पर दिखाई दिया है। ग्लोबल लेवल पर अगर मंदी की आशंका और गहराती है तो अमेरिकी डॉलर में मजबूती आएगी, क्योंकि ऐसे में ज्यादा से ज्यादा फंड डॉलर जैसे सुरक्षित निवेश की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिकी डॉलर 108 रुपए से लेकर 110 रुपए प्रति रुपए तक बढ़ सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में लॉकडाउन के चलते भी कीमतों पर दबाव बना है। चीन दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और ग्लोबल इंपोर्ट में चीन की 21% हिस्सेदारी है। इसके अलावा इस साल कॉटन की पैदावार बंपर रहने का अनुमान है, जिससे सप्लाई बढ़ सकती है। वहीं मांग भी कमजोर है। इन सभी वजहों से फिलहाल कॉटन में गिरावट बढ़ती दिखाई दी है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि लगातार निर्यात घटने से और आयात बढ़ने के चलते कॉटन की कीमतों पर दबाव बन सकता है। 2021-22 के फसल वर्ष में मई 2022 तक भारत से तकरीबन 3.7 से 3.8 मिलियन गांठ कॉटन का निर्यात किया जा चुका है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 5.8 मिलियन गांठ कॉटन का निर्यात किया गया था। इस साल भारत का कॉटन निर्यात 4.0 से लेकर 4.2 मिलियन गांठ तक सीमित रह सकता है। वहीं भारतीय व्यापारियों और मिलों ने ड्यूटी हटने के बाद 5,00,000 गांठ कॉटन की खरीदारी भी की है। 2021-22 के लिए कुल आयात अब 8,00,000 गांठ हो चुका है। सितंबर के अंत तक अन्य संभावित 8,00,000 गांठ के आयात के साथ 2021-22 के लिए कुल आयात 16,00,000 गांठ हो जाएगा। वहीं माना यह जा रहा है कि इस साल पैदावार भी बंपर रह सकती है। इस खरीफ सीजन में देश में कॉटन का रकबा 4-6% बढ़कर 125,00,000 हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 2 साल से किसानों को कपास में अच्छा पैसा मिला है। वहीं सोयाबीन की कीमतों में आई हालिया तेज गिरावट से भी किसान कपास की बुआई की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक कॉटन की बुआई वाले एरिया में इस साल अच्छी बारिश का भी अनुमान है। वहीं USDA NSS के मुताबिक अमेरिका में 19 जून 2022 तक फसल वर्ष 2022-23 के लिए कपास की बुआई 96% पूरी हो चुकी है, जो कि पिछले हफ्ते की बुआई 90% से फिलहाल 6% ज़्यादा है। ऐसे में सबका मानना है कि आने वाले दिनों में कपास की कीमतें फिलहाल गिरावट से कारोबार करती दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।